वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है मंडे और सावन हो गया है शुरू। तो आज है सावन का सोमवार और सबको मेरी तरफ से हैप्पी सावन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए फ्रेंड्स, योगा करने के बाद फिर मुझे जाना है अभी नहा धोकर मंदिर, और मंदिर हस्बैंड के साथ जाऊंगी मैं। और आज बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, हस्बैंड ने बताया है, मैं तो कभी नहीं गई, तो उन्हीं के साथ मुझे जाना है मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा चलो नहा धोकर पहन लेती हूँ हरी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। और मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाता है और वो याद दिला देती है कि कब चूड़ियाँ पहननी है और कब क्या, क्योंकि मैं चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ने बोला कि हरे रंग की चूड़ियाँ जो है वो सावन में बहुत अच्छी होती है, तो पहन लेना। तो मैंने पहन ली हरे रंग की चूड़ियाँ और मैं आ गई हस्बैंड के साथ मंदिर। तो सच में ये मंदिर बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और आप लोग भी देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। और जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर वो ऐसी लग रही थी जैसे मूर्तियाँ बोलती हुई मूर्तियाँ हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा ये मंदिर मुझे। और यहाँ पर आकर हमने जल चढ़ाया शिवलिंग पर, और सभी मंदिर जो मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली, मैंने पहले मुझे लगा शायद वीडियो नहीं ले सकते हम यहाँ पर, लेकिन फिर पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो ली, थोड़ी सी ही ली। तो देखिए कितना खूबसूरत रूप है शेरावाली माता का, और जो यहाँ पर शिव भोले हैं उनका रूप भी देखिए, और सभी भगवानों का रूप इतना खूबसूरत था। और यहाँ पर जो है वो बालाजी जो है वो भी स्थापित किए हुए हैं, तो वहाँ पर बालाजी का भी मैं दिखाऊंगी आपको भवन कैसा बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड बैठे हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, और हम लोग वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आकर मैंने हस्बैंड के लिए बनाई चाय, क्योंकि उन्होंने पीनी थी चाय, मेरा तो था फास्ट। तो फास्ट में, ये वाले फास्ट में ना मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो लेकिन यह है कि थोड़ा सा फ्रूट और दूध अगर मन होगा तो ले लूँगी, लेकिन दूध जो है वो मैं नहीं लूँ, कोशिश करती हूँ कि ना लूँ, क्योंकि मुझे दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो है फ्रूट ले लूँगी और उनके लिए मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों का मन था पुलाव खाने का, तो मैंने बना दिया उनके लिए पुलाव। और थोड़ा सा ये था कि चलो पुलाव बनाने के बाद थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने फिर उसके बाद अपने लिए कट किया एक खीरा और पपाया रखा था, और मेरा पपाया खाने का मूड नहीं था बिल्कुल, तो मैंने खीरा कट कर लिया और खीरा मैंने अपने लिए तैयार कर लिया, ब्रेकफास्ट ही समझ लीजिए मेरा ये। तो खीरा खा लूँगी मैं, खीरा खाने के बाद देखते हैं फिर क्या क्या काम करते हैं। सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद हस्बैंड जो है वो चले गए थे, और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो घर पे थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज जाले साफ़ करती हूँ, और गंदा सा हो रहा है तो जाले वगैरह घर में नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो जाले साफ़ कर लेती हूँ। और जाले जो है मंथली मैं कर ही लेती हूँ साफ़, लेकिन पता नहीं आजकल इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना, जल्दी लग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सड़क वगैरह का काम होता है, जो धूल मिट्टी होती है तो बहुत जल्दी जाला लगता है। तो यहाँ पर देखिए सारे में जाले साफ़ करने के बाद थोड़ा सा लगाऊंगी झाड़ू पोछा, क्योंकि वैसे तो जो है सुबह मेट काम करके चली गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा जो हो जाता है, क्योंकि जाले वगैरह साफ़ किए उसके बाद गंदा हो गया था, तो फिर मेरे को झाड़ू पोछा लगाना पड़ा दोबारा से।
और अगर नहीं लगाती तो गंदा गंदा रहता है, और बच्चे वाला घर है तो बच्चों के घर में तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो फिर मेरे जो प्लांट्स हैं वो भी मुझे अभी थोड़े से ठीक करने हैं। और मैं आजकल थोड़ा सा ये वाला बारिश का सीज़न जो चल रहा है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस टाइम पर क्या होता है, अगर आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाओगे तो वो कटिंग बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। तो मुझे एक दिन अपने प्लांट्स के लिए भी निकालनी है, और मैंने सारे ही प्लांट्स जो है सब कटिंग से ही लगाए हुए हैं। बहुत कम ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मैं लेकर आती हूँ। पहले मुझे नहीं इसका एक्सपीरियंस था, तो मैं हमेशा प्लांट्स खरीदती थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी टाइम से मैं प्लांट्स रख रही हूँ, तो मुझे मतलब ये चीज़ पता चल गई है कि हम हर प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही छोटे छोटे मनी प्लांट और बहुत ये जो छोटे छोटे सारे पेड़ हैं ना, जितने भी प्लांट्स लगे हुए, सबके सब मैंने कटिंग से लगाए हैं, और सभी ग्रो कर गए, बहुत अच्छे कर गए, और इस सीज़न में बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो मैं इसके लिए भी टाइम निकालूंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मुझे बनाना था आज घी। तो मक्खन वो मलाई मेरी पड़ी हुई थी, तो मलाई का घी बनाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद घी बनाने के बाद मैंने बनाई थोड़ी खीर, और खीर बहुत अच्छी होती है, सावन में ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बनाई मखाने की खीर, और बहुत टेस्टी खीर है ये। और फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, क्योंकि घर के जो काम है, अगर बाई चांस रोक दो ना एक दो दिन भी, तो थोड़ा सा अगर डिले भी कर दो तो वो काम जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरे साथ हमेशा ये हो जाता है, अगर मैं एक दिन भी सोचूं ना कि चलो आज मूड नहीं है कल कर लूँगी, तो वो काम जो है वो पेंडिंग में रह जाता है। तो इसलिए जो है हैंड टू हैंड ये सब काम जो है करते रहना चाहिए। और उसके बाद कपड़े धोए थे, तो कपड़े धोने के बाद सोफ़े के कवर वगैरह सब मुझे चेंज करने थे, तो मैंने बस यही सोफ़े के कवर वगैरह ये वाले जो धो के फिर से लगाए हैं। और जो है इस टाइम गर्मियां है ना, तो थोड़ा सा जो मोटे वाले कवर होते हैं वो मैं नहीं बिछा रही हूँ इस टाइम, मैं यही अच्छे लगते हैं लाइट लाइट इस पर वाइट कलर के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं बिछे हुए। और बाकी जो कलरफुल है बहुत डार्क डार्क है तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद आते, वो मैं विंटर्स में ही ज़्यादातर बिछाती हूँ। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर वगैरह सब चेंज कर लूँगी। चेंज करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और मुझे जो है खाने की तैयारी करनी थी। तो खाने में बनानी थी आज दाल, और साथ में बनेगी थोड़ी सी भिंडी की सब्जी, क्योंकि दाल जो है वो सिंपल दाल के साथ नहीं खाना खाएंगे, और थोड़ी सी सब्जी जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है। तो दाल मैं बना लूँगी, दाल मैंने बॉयल करके रख दी, और बस मैं तड़का तैयार कर रही हूँ दाल को तड़का लगा के, फिर मैं भिंडी कट करूँगी। भिंडी अभी मैंने कट नहीं की है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी बचता है, और काम जो है मेरा
निपट ही गया है, तो मैं भिंडी कट कर दूंगी और फिर बनाऊंगी साथ में भिंडी की सब्जी। तो बच्चे और हस्बैंड ने ही खाना खाना है और मैं तो नहीं खाऊंगी, और मैं थोड़ा सा अभी खजूर खा लूंगी क्योंकि अभी मुझे हल्की सी भूख महसूस हो रही है, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा नहीं लग रही कि मुझे प्रॉपर तरीके से खाने का मूड हो, तो मैं थोड़ी सी खजूर ले लूँगी और उससे ही मेरा हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद देखिए फिर अगर हो सकता है तो मैं दूध ले लूँगी अगर भूख लगेगी तो, अभी तो नहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर दाल का तड़का मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं खजूर लेकर आ गई हूँ अपने, और खजूर खा लूँगी मैं। और 32 बार फॉर्मूला जो है वो बहुत ही मेरे को काफ़ी उससे फ़र्क पड़ रहा है, और मेरे सारे ही सूट लमसम मेरे को हो गए हैं लूज़, तो वो सूट भी मुझे अभी ठीक कराने पड़ेंगे। और बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है एक बहुत बढ़िया सी, और एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है करनी हम लोगों को, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये नहीं कि पतले होने के बाद फिर हम एक्सरसाइज छोड़ दें, तो कंटिन्यू एक्सरसाइज मैं करती रहूँगी। और 32 बार फॉर्मूला जो है हमेशा के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, बाय बाय।